फ्रेंड्स, मेरे चैनल सिंपल रेसिपी विद सीमा में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मारवाड़ी मंगोड़ी की सब्जी। चलिए शुरू करते हैं। मैंने ये मंगोड़ी ले ली, इसे हम बेलन की मदद से क्रश करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैंने मंगोड़ी क्रश कर ली। कढ़ाई चढ़ाएंगे। तेल गरम हो जाए तो हम इसमें जीरा और सरसों डालेंगे। गरम हो गया फिर हम इसमें डालेंगे ऑनियन। मैंने एक बड़ा प्याज और एक छोटा आलू लिया था। हम मंगोड़ी भी डाल देंगे। ये सबको हमें अच्छा से भूनना है। इसे हम अच्छा से भूनेंगे। इसे अच्छा से 2-3 मिनट फुल फ्लेम में भून लिया। अब मैं इसमें एक टमाटर डाल दूंगी। टमाटर पानी छोड़ता है इसलिए हम टमाटर लास्ट में डालते हैं और बाकी सब सब्जी तो मंगोड़ी के साथ भूनी जाती है। मैंने इसमें लगभग 2 ग्लास पानी डाला। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूंगी। हल्दी, नमक, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। अब इसे 10 मिनट हम फुल फ्लेम में पकाएंगे। जी 10 मिनट फुल फ्लेम में और 5 मिनट सिम में अच्छे से पकाएंगे। अब ये लगभग रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ धनिया और थोड़ी कस्तूरी मेथी। अब इसे 1 मिनट और मैं चला लूंगी। अब ये सब्जी लगभग रेडी है। तो पहले मैं इसमें एक तड़का और लगाऊंगी। मैंने थोड़ा बटर लिया। इसमें थोड़ी राई डालूंगी। दो गोटा लाल मिर्च। अब
अभी तड़का मैं रेडी सब्जी में डाल दूंगी। ये सब्जी अब रेडी है सर्व के लिए। इसको आप रोटी, पराठे, राइस किसी के साथ भी खाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपके साथ अपनी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।